सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। एजेंसी ने उन्हें जमीन के बदले नौकरी मामले में समन जारी किया है, लेकिन तेजस्वी ने सीबीआई के सामने पेश होने में असमर्थता जताई है। उन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश और 1,900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। लालू परिवार पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 5 साल से वो क्या कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं। कर रहा और जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे, तो इसमें हमको क्या कर। इन सब सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा बोलिए ना, 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग ले हुए तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर। छत्तीसगढ़ सरकार भी अब बिहार की तर्ज पर अपने राज्य में भी शराबबंदी लागू करना चाहती है, इसलिए बिहार में शराबबंदी का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ से 17 सदस्यों की टीम पटना पहुंची। छत्तीसगढ़ की टीम ने बिहार आने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, शराबबंदी का राज्य में क्या असर रहा है और क्या हो रहा है ये सब देखने वो आए हैं। सहरसा में 2 दिवसीय कोशी महोत्सव का आगाज हुआ। कोशी महोत्सव में एसपी लिपि सिंह, सदर एसडीपीओ प्रदीप झा, डीडीसी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, तो वहीं उद्घाटन के बाद स्वरांजलि संस्था के बच्चियों के द्वारा स्वागत गान गाकर नृत्य की प्रस्तुति भी की। दर्शक दीघा में बैठे श्रोताओं ने इस स्वागत गान और नृत्य का भरपूर आनंद लिया। बेगूसराय में आलू किसानों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरुद्ध अपनी नाराजगी जताई। बेगूसराय जिले के बछवारा प्रखंड के किसानों के द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि सरकार आलू का समर्थन मूल्य तय करे, जिससे कि किसान अपने आलू को उचित भाव में बेच सके। NH-28 पर सैकड़ों बोड़े आलू फेंक कर किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। झारखंड में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल के बाद क्रामिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को राज्य का नया गृह सचिव बना दिया गया है। इन्हें गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च यानी कि मंगलवार को शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल की परीक्षा राज्य भर में बनाए गए 1400 केंद्रों में ली जाएगी। परीक्षा आयोजन को लेकर जैक की ओर से सभी जिलों और परीक्षार्थियों के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हजारीबाग में रानी झांसी परेड ग्राउंड में सीमा सुरक्षा बल के 139 नवारक्षक प्रशिक्षण पूर्ण कर दिशांत परेड में शामिल हुए। दिशांत परेड में शामिल 139 नव आरक्षक यानी कि ट्रेड्समैन ने संविधान की रक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने वर्तमान में झारखंड में जो शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ की एजेंसी द्वारा की जा रही है, इसको लेकर एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हुए इसकी ऑडिट व जांच करने की मांग की। शराब व्यापारी संघ का कहना है कि कहीं न कहीं झारखंड में भी अगर इसकी जांच होगी तो ये दिल्ली शराब घोटाला जैसा ही एक घोटाला है, जिससे राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।